अस्सलाम वालेकुम। HTML एंड CSS के 24th ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अपने बॉर्डर्स को स्टाइल करना सीखेंगे CSS के थ्रू। तो सबसे पहले इस पेज को समझने की कोशिश करें जो मैंने यहाँ पे बनाया है। सबसे पहले मैं अपनी डॉक टाइप लिखी, देन HTML हेड, एंड हेड को यहाँ पे क्लोज किया है, एंड हेड के अंदर मैंने टाइटल दिया है एंड इंटरनल CSS यूज़ किया है। एंड इंटरनल सी एस के अंदर मैंने अपनी डिव एलिमेंट लिखी है, क्योंकि मैं जो भी एडिटिंग करने वाला हूँ वो डिव के अंदर करूँगा। एंड देन बॉडी के अंदर मैंने एक डिव खोली है एंड देन क्लोज की है, एंड इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा है। अब मैं इस डिव को स्टाइल करूँगा। एंड नीचे यहाँ पर मैंने कुछ 3D बॉर्डर्स लिख रखे हैं, क्योंकि मुझे इनके नाम याद नहीं थे इसलिए मैंने इनके नाम यहाँ पर लिख लिए हैं। ओके जी, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो पेज है वो इस वक्त किस तरह से शो हो रहा है। ये हमारा पेज है, रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए हमारा पेज इस वक्त इस तरह से शो हो रहा है। तो सबसे पहले इसकी हम विड्थ सेट करते थे इस डिव की, जो कि 300 रखते हैं, ताकि हमारा जो इफेक्ट्स हैं वो इजीली हमें शो हो सकें। 300 पिक्सल्स, एंड ये हमारी डिव 300 पिक्सल्स हो चुकी हैं। इसके बाद हम अपना बॉर्डर स्टाइल यूज़ करते हैं। अब तक जो मैं सॉलिड डॉटेड यूज़ करता था वो हमारे पास सारे स्टाइल्स थे बॉर्डर के, तो इसको मैं सॉलिड कर देता हूँ फिलहाल। एंड आइए इसे पहले चेक करते हैं। और ये देखें इस वक्त इसका जो बॉर्डर है वो आ चुका है। अब मैं ये बॉर्डर की विड्थ सेट करना चाहता हूँ, बॉर्डर विड्थ। तो ये देखें कि बॉर्डर के बाद मैं डैश दे रहा हूँ एंड देन अगली जो प्रॉपर्टी है वो लिख रहा हूँ। जैसे स्टाइल करना है तो स्टाइल, विड्थ के लिए विड्थ, कलर के लिए कलर यूज़ करूँगा। बॉर्डर की विड्थ देखते हैं, और यहाँ पर देखें विड्थ बड़ी हो चुकी है। एंड बॉर्डर कलर नेवी कर देते हैं, और ये देखें हमारा इस वक्त कलर आ चुका है। अब हमारे पास सॉलिड तो आपने देख लिया, हमारे पास कुछ और भी होते हैं, जैसे डॉटेड हो गया। डॉटेड किस तरह से शो होता है वो ये देखें आप, ये बड़े बड़े डॉट्स आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पर डैश्ड लिखूँ तो डैश भी देख लें कि किस तरह से होते हैं। ये देखें डैशेस आ गए हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास होता है डबल, और डबल हमारे पास इस तरह से होता है। और इसके बाद जो हमारे पास 3D बॉर्डर्स हैं उन्हें आप ट्राई करते हैं, जैसे ग्रू हो गया। ग्रू में ये देखें, ये जो हमारे यहाँ से आप इस कॉर्नर को देखें एंड इसके अंदर जो ये इसके एक शेप बन रही है, इस शेप को हम 3D एक्चुअली कहते हैं, इसलिए हम इन्हें 3D बॉर्डर्स कहते हैं। ग्रू के अलावा हमारे पास इनसेट है, इनसेट देख लें किस तरह से है। एंड सिमिलरली हमारे पास आउटसाइड भी होता है, और आउटसाइड का देख लें कि किस तरह से है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है बॉर्डर रेडियस। यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये बॉर्डर किस तरह से, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से सर्किल हो थोड़ा बहुत, तो वो किस तरह से हम करेंगे आइए देखते हैं। बॉर्डर डैश रेडियस, रेडियस को मैं 20 पिक्सल्स कर देता हूँ, और अब देखिएगा कि इफ़ेक्ट क्या आ रहा है इसमें। ये देखें हमारे जो कॉर्नर्स थे वो राउंड हो चुके हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लेफ्ट वाला जो कॉर्नर है वो आपका राउंड होना चाहिए एंड राइट वाला होना चाहिए, बाकी जो है वो आपके कॉर्नर्स बिल्कुल वैसे होने चाहिए जैसे होते हैं, तो वो कैसे करेंगे। बॉर्डर रेडियस लेफ्ट कर देता हूँ मैं इसे, वन सेकेंड, बॉर्डर लेफ्ट रेडियस करके देखते हैं। बॉर्डर टॉप लेफ्ट, एंड दैट्स इट। सो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस मतलब कि बॉर्डर का ये जो टॉप लेफ्ट वाला बॉर्डर है ये मेरा जो है 20 पिक्सल्स होना चाहिए, बाकी के जो मेरे हैं वो जिस तरह से हैं कॉर्नर में उसी तरीके से होने चाहिए। सो इस तरीके से हम लोग अपने बॉर्डर्स को अच्छे तरीके से
डिज़ाइन और स्टाइल कर सकते हैं। सो गाइस थैंक फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।